नमस्कार दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम हार्टले ऑसिलेटर्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे हार्टले ऑसिलेटर्स आपका एलसी ऑसिलेटर्स की एक टाइप है ये ऑसिलेटर्स दोस्तों जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ हैं लाइक इन ऑर्डर ऑफ मेगा की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जनरेट करते हैं हार्टले ओसीलेटर्स में हमारे फीडबैक नेटवर्क में दो इंडक्टर यूज़ होते हैं और एक आपका कैपेसिटर यूज़ होता है क्योंकि ये एल सी ओ की टाइप है तो डेफ़िनेटली फ़ीडबैक नेटवर्क्स में इंडक्टर और कैपेसिटर ही यूज़ होंगे रजिस्टेंस आपका यूज़ नहीं होता है तो अब याद कैसे रखें कि एक कैपेसिटर होगा दो इंडक्टर होंगे हार्टले दोस्तों आपका एच से स्टार्ट होता है और इंडक्टर की यूनिट आपकी हेनरी होती है यानी इंडक्टर्स ज़्यादा होंगे और कैपेसिटर्स आपका कम होगा जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी वो नंबर टू में रहेगी टू नंबर्स ऑफ इंडक्टर्स और कम यूज़ होगी वो सिंगल होगा तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो अब बात करते हैं सर्किट्स की सर्किट से पहले हमें हर ओसीटर्स के ब्लॉक डायग्राम्स को समझना चाहिए इस ओसीटर्स में कोई भी ओसीलेटर हो उसमें एज सच कोई स्टैंडर्ड इनपुट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती कोई भी नॉइज़ आपका एम्पलीफायर्स में जाएगा नॉइज़ को एम्पलीफायर प्रोसेस करेगा और आउटपुट पे मैग्निफाइड सिग्नल्स हमें अवेलेबल होंगे वही आउटपुट आपकी फ़ीडबैक नेटवर्क्स में जाएगी और फीडबैक नेटवर्क्स का जो गेन फैक्टर है दैट इज़ बीटा वो आपका मल्टीप्लाई होगा तो फीडबैक नेटवर्क का गेन फैक्टर बीटा है और एम्पलीफायर का जो गेन है वो आपका एल्फ़ा ए है तो अगर आप इसे ओसीलेटर बनाना चाहते हैं तो आपका एम्पलीफायर का गेन मल्टीप्लाई विद फीडबैक गेन फैक्टर और फीडबैक नेटवर्क वो हमेशा आपका वन के बराबर हो तभी आप कह सकते हो कि आपका ओसीलेटर एक सस्टेंड ओसीशन या फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे जनरेट करेगा तो अब बात करते हैं ये ये जो पूरा सर्किट है दोस्तों ये आपका एक एम्पलीफायर है आर वन आर टू बाइसिंग रजिस्टेंस हैं जो ट्रांजिस्टर्स को हमेशा एक्टिव रीजन में रखेंगे ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा तभी दोस्तों ये आपका एम्पलीफायर की तरह काम करेगा ये आपका अमीटर रजिस्टेंस है और ये आपका एक बाईपास कैपेसिटर है ये आपका कलेक्टर रजिस्टेंस है ये आपका ब्लॉकिंग कैपेसिटर है यानी कोई भी आपका डीसी सिग्नल होगा तो उसको अपोज करेगा और जो ए इनपुट्स होंगी उसको ये पास करेगा अब बात करते हैं हमारे फीडबैक नेटवर्क्स की फीडबैक नेटवर्क आपका कैसा होगा इससे जस्ट पहले एल सी की पूरी डेरीवेशंस हमने की थी इसमें बताया था कि जो फीडबैक नेटवर्क है वो आपका इस कॉन्फिग्रेशन में होगा जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड टू जो है वो उसके अक्रोस हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लेते हैं दैट इज़ फीडबैक नेटवर्क्स आउटपुट वोल्टेज तो यहाँ पे देखिए दोस्तों Z2 टू की जगह मैंने एल टू लिख दिया Z1 वन थ्री की जगह एल वन लिख दिया और Z1 वन की जगह मैंने सी लिख दिया ठीक है तो इस टाइप से एल वन और एल टू दो इंडक्टर्स हैं इन दोनों इंडक्टर्स के बीच को हमने यहाँ ग्राउंड किया है अगर आप एक ही इंडक्टर यूज़ करेंगे तो उसको सेंटरली टैप्ड कर सकते हैं तो इसको कई बार टैप्ड इंडक्टर ऑसिलेटर भी कहा जाता है इसी वजह से तो अब फाइनली क्या है जो आउटपुट है वो दोस्तों यहाँ चली जाएगी जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में दिखा रखा है एम्पलीफायर का आउटपुट फीडबैक के इनपुट में जाएगा ये फीडबैक का इनपुट सेक्शन है अब फीडबैक का आउटपुट एम्पलीफायर के इनपुट में चला जाएगा यहाँ पे वी एफ जो है वो आपका आउटपुट होता है यानी ये जो है एल टू के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल होगा वो आपका यहाँ इनपुट सिग्नल बन के चला जाएगा तो ये हमारा यहाँ से इनपुट चला गया ठीक है तो ये फाइनली जो है फीडबैक का ये आपका आउटपुट होगा एक तरह से और ये फीडबैक का आपका एक इनपुट टर्मिनल होगा ठीक अब फाइनली हमें ये पता करना है कि ये जो ओसीलेटर है इसकी ओसीलेटिंग फ्रीक्वेंसी का क्या एक्सप्रेशन है हमने यहाँ पे पूरी डिटेल में डेरिवेशन की थी और इस कंक्लूजन तक पहुँचे थे कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो तो हम डायरेक्टली इसी को यूज़ करेंगे X1 क्या है यानी देखिए दोस्तों जो आपका इंडक्टर है L1, ठीक है L1 की वजह से जो X1 होगा वो क्या होगा X1 होता है दोस्तों ओमेगा इंटू एल जो इंडक्टर है आपका L2, इसकी वजह से आपका मिलेगा X2, X2 है आपका रिएक्टिव इंपीडेंस और उसकी वैल्यू होगी ओमेगा इंटू फिर तीसरा है आपका कैपेसिटर कैपेसिटर uh, आपका सी है इसकी वजह से मान लीजिए आपका एक्स थ्री कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इसका फार्मूला होता है दोस्तों वन अपॉन ओमेगा सी बट नेगेटिव साइन रीज़न क्या है नेगेटिव साइन का देखिए सी है सी को मैं क्या लिखता हूँ वन अपॉन सी एस और एस क्या होता है जे ओमेगा यानी वन अपॉन सी ओमेगा इन जे अब नीचे जे है तो मैं क्या करूँगा जे से डिवाइड और जे से ही मल्टीप्लाई ऊपर जे चला गया बट जे इंटू जे एस जे इंटू जे ए जे स्क्वेयर होगा दैट इज माइनस वन तो ये बन जाएगा आपका माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू सी तो जो जे है जे का जो कॉफिशियंट है वो बना माइनस वन इंटू ओमेगा इंटू सी और वो जो कॉफिशियंट है वही आपका रिएक्टिव इंपिडेंस है दैट इज़ माइनस वन अपॉन ओमेगा सी तो इन वैल्यूज़ को सिंपली आप यहाँ पुट कर दीजिए एक्स वन क्या है भाई ओमेगा इंटू एल वन प्लस एक्स टू क्या है ओमेगा इंटू एल टू एक्स थ्री क्या है माइनस वन अपॉन ओमेगा सी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो ये एक्सप्रेशन आप राइट साइड ले जाइए यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लीजिए ओमेगा एल वन प्लस एल टू दैट इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा इंटू सी ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये दोस्तों ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा और एल वन प्लस एल टू डिनोमिनेटर में लीजिए दैट इज़ एल वन प्लस एल टू मल्टीप्लाई विद सी अब फाइनली टेकिंग स्केर रूट्स ऑन बोथ साइड्स तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी पॉजिटिव ही होगी तो ये बनेगा आपका वन अपॉन अंडर द रूट एल वन प्लस एल टू मल्टीप्लाई विद सी अब हमें पता है कि जो ओमेगा है वो क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई इन एफ तो जो एफ़ है वो क्या होगा ओमेगा डिवाइडेड बाय टू पाई तो एफ़ का एक्सप्रेशन भी यहाँ से निकाल सकते हो दिस इज़ वन अपॉन टू पाई अंडर द रूट एल वन प्लस एल टू मल्टीप्लाई विद सी तो ये है दोस्तों आपका फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन कि जो आपके ऑसिलेटर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी एल वन एल टू के सम और सी के प्रोडक्ट के साथ डिपेंड करती है राइट right? अब बात करते हैं इसकी कुछ एडवांटेज की और इसकी कुछ डिसएडवांटेज़ की एडवांटेज क्या है एडवांटेज ये है कि आर सी ओसीलेटर्स हमने स्टडी किए थे तो वो ओसेलेटर आपके बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज को जनरेट नहीं कर पाते थे राइट right? तो यहाँ पे हमारी जो आर एफ आउटपुट सिग्नल हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल हैं जो हमेशा किस में होंगे मेगा हट्स में होंगे यानी हाई फ्रीक्वेंसी को हम जनरेट करा पाते हैं दूसरा जो एडवांटेज मेन होगा वो क्या होगा एडजस्ट फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम कैपेसिटर यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस कैपेसिटर को यूज़ कर लूँ अगर मैं इस कैपेस्टर को वेरिएबल बना दूँ या इसको मैं गैंग कैपेसिटर बोल या ट्यून्ड कैपेसिटर बोल तो सी की वैल्यू को चेंज करके मैं फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकता हूँ तो ये इसकी एक एडवांटेज बनी तीसरी एडवांटेज क्या है अगर आप इसका ओवरऑल साइज़ कम करना चाहते हो तो L1 और L2 दो अलग अलग इंडक्टर्स हैं इसकी बजाय आप एक सिंगल इंडक्टर यूज कर सकते हो लेकिन उस इंडक्टर को सेंटरली आपको टैप करना पड़ेगा तो उसे हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक सिंगल क्वाइल से भी हमारा सर्किट बन सकता है सिंगल क्वाइल लेंगे और उसके पैरल में एक कैपेसिटर लगा देंगे ये है इसकी कुछ एडवांटेज नेक्स्ट है इसका कुछ डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज क्या डिस है अगर मान लीजिए आप सिंगल क्वाइल यूज नहीं करते हो आप दो इंडक्टिंग कोयल यूज़ करते हो तो आपको पता है कि जो इंडक्टर्स हैं वो कोयल से बनते हैं और उनके यूज़ से साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज भी बड़ा होगा और इसी के साथ इंडक्टर्स आपके महंगे भी होते हैं तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी ठीक है फिर इट कैन नॉट जनरेट लो फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइक ऑडियो रेंज में चाहिए तो फिर आप आर सी फेस सिफ्ट या या वेनब्रिज ओसीलेटर्स का यूज़ करेंगे हार्टले ओसीलेटर्स वहाँ यूज़ नहीं होगा लास्ट जो पॉइंट है पुअर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी रीज़न क्या है यानी बहुत लंबे टाइम तक आपको ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम सस्टेंड ऑसीलेशन नहीं मिलेंगी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है वो क्या है सर्किट्स में इंडक्टर्स हैं बाय द टाइम इसका एजिंग इफेक्ट होगा वियर टीयर प्रॉब्लम्स होंगी राइट right? और इस टाइप के कुछ लॉसेज इंक्लूड होंगे जिसकी वजह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल नहीं होगी तो दोस्तों इस वीडियो में हार्टले ऑसिलेटर्स के बारे में हमने पूरा इन डिटेल डिस्कस कर लिया है आई होप अब आपको बहुत इजी लैंग्वेज के साथ इसको समझ आ गया होगा अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन इन्श्योर हो सके This is the end of the video. Thank you so much for watching this video.